बाबू रे बेटी रे अभी परीक्षा देना है, इसके लिए कोई डेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये वैकेंसी आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्यान को राज्य सरकार हित में हाथ जोड़ के कि हुजूर आज के फैसला से ये लागू होती है। यह वही राज है यार जिस राज में कहा गया है कि सारी प्रजा हमारी संतान है, मैं जहां कहीं भी रहूं अंतापुर में रहूं क्यों ना रहूं राज्य में घटने वाली घटनाओं सूचना हमको मिलनी चाहिए। तो आज बच्चे बिलख रहे हैं यार, बिहार सरकार को पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अब मुझे लगता है कि सरकार करेगी, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तभी यह बात वैकेंसी भी निकली थी। तो यह सरकार का पूरा विशेषाधिकार बनता है आदेश बाबू, आप भी पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता है, इसलिए बता रहे हैं संविधान की बात है, नैतिक कर्तव्य बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हलफनामा दायर करें स्पष्ट रूप से और बोले कि डीएलएड पर्याप्त संख्या में नहीं है, 5-5 साल से जंगाया हुआ, 15-15 साल से जंगाया हुआ बच्चा और बच्ची आदेश पढ़ाने में पसीना छूट गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर आंखों पर रखते हुए उसकी हमको चर्चा ही नहीं करना है, हमको चर्चा करना है उस नैतिक अधिकार का। और उस बच्चा सब के साथ अगर परीक्षा नहीं होती है तो अमानवीय हरकत होगा, इसलिए केवल केवल अब राज्य सरकार के पाले में गेंद है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हुजूर राजहित में आप कदम। छात्रों को क्या कहेंगे सर? छात्रों कहेंगे बेटा रे पढ़ते रहना रूमर से दूर रहना, पढ़ते रहना परिश्वा होता हूँ अब तू लोग परीक्षा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए 24 अगस्त से परीक्षा होने वाली है, 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है, 10-12 दिन बचे हुए हैं परीक्षा में। लेकिन आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के लिए जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो योग्य नहीं है, यानी कि 1 से 5 के लिए केवल डीएलएड के कैंडिडेट ही शिक्षक बन सकते हैं। अब इसका क्या असर पड़ रहा है बिहार में जो भर्ती हो रही है, बहुत लाखों लाख छात्र हैं जो कि बीएड करके वर्ग 1 से 5 के लिए अप्लाई किए हुए हैं। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे जानेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 1 से 5 के लिए बीएड वाले जो हैं वो शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं रहेंगे, इसका सर कितना असर पड़ा है? सर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला को किसी भी रूप में अस्वीकारा नहीं जा सकता, किसी भी रूप में नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से आदेश में बता दूं, एक शिक्षक होने के नाते ऐसा नहीं कि टीचरों को प्रसन्न करके कोई नया बैच उनसे बनवा ले, 10-12 दिन 15 दिन समय बचा हुआ है, बेचारे 5 साल से बुरी तरह से पीड़ित है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने, दिलीप ने, सबने मिलके एक जबरदस्त आवाज उठाई, हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, एक आवाज उठी, आवाज उठने के बाद अचानक हुआ कि बहाली करा देंगे, नहीं बहाली हुआ, फिर हुआ कि फलाना होगा ढेकाना होगा, उसके बाद करते करते पीठ पाट के लास्ट में होगा बीपीएससी लेगा, सुपर टेट होगा, सुपर टेट में चला गया, सब लड़का जम के पढ़ा, 5-5 साल से जंगाया हुआ, 15-15 साल से जंगाया हुआ बच्चा और बच्ची आदेश पढ़ाने में पसीना छूट गया। 4 घंटा यूपीएससी का क्लास लेने में जितना नहीं बुझाता है उतना 1 घंटा क्लास लेने में मास्टर बुझा गया और सबको जगाओ का आदमी ठीक किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर आंखों पर रखते हुए उसकी हमको चर्चा ही नहीं करना है, हमको चर्चा करना है उस नैतिक अधिकार का जो प्रत्येक राज्य को प्राप्त है कि राज्य अपने हित में, राज्य हित में, जनता हित में अगर 5% घटा सकता है सीटेट के अंकों में, SC ST के अंकों में छूट दे सकता है, OBC के अंकों में छूट दे सकता है, महिलाओं के अंकों में छूट दे सकता है, 35% का आरक्षण दे सकता है, तो यह सरकार का पूरा विशेषाधिकार बनता है आदेश बाबू, आप भी पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता है, इसलिए बता रहे हैं संविधान की बात है, ये नैतिक कर्तव्य बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हलफनामा दायर करें स्पष्ट रूप से और बोले कि डीएलएड पर्याप्त संख्या में नहीं है, नहीं है। हमसे भी कोई पूछता कि डीएलएड करोगे कि बीएड करोगे, रहमान तो हम बोलते कि बीएड करेंगे, डीएलएड नहीं है और 5 साल से रगड़ रहा है, तो इस बार तो किसी भी परिस्थिति में इन बच्चों को विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इस बार विचलित होते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हंस के रो के गा के माननीय उच्च न्यायालय से ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही इन बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन बिहार सरकार को पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अब मुझे लगता है कि सरकार करेगी, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था
तभी यह बात वैकेंसी भी निकली थी, उसका भरा भी रहा था। इसलिए निश्चित रूप से सरकार इसमें एक कदम उठाएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। मैं आपके जैसे स्टूडेंट के हित वाले चैनल के संबंध में के माध्यम से किसी कोई सोचते नहीं है, किसी डरते नहीं है, बजरंग बली छोड़ के हम केवल यही बोलेंगे बच्चों को कि बाबू रे बेटी रे अभी परीक्षा देना है। सर क्या लगता है परीक्षा होगा या डेट बढ़ भी सकता है? सर देखिए, परीक्षा का डेट अगर बढ़ेगा तो उसका कारण बाढ़ होगा, उसका कारण बाढ़ होगा। इसके लिए कोई डेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी आज कह दे सुप्रीम कोर्ट, ये भी कह सकती है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्यान को राज्य सरकार हित में हाथ जोड़ के कि हुजूर आज के फैसला से ये लागू होती है, जब आपने फैसला दिया उस दिन से लागू होती है। इन लोगों को तो किसी भी परिस्थिति में परीक्षा होना चाहिए, पागल हो जाएगा, लड़के रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं, पागल हो जाएंगे, फिर पढ़ाने का उचित नहीं रहेगा आदेश। क्योंकि जो बच्चे और बच्चियों का उम्र देखा है मैंने, अपने पति को, अपने बच्चे को, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे को छोड़ के लोग आया है, पटना को टीचरों ने भी खूब लूटा है, खूब घसीटा है। तो मीडिया महीनों की स्ट्रिंग ऑपरेशन करा लो, हाउ तब्बो पढ़ ना हो तब्बो पढ़ वाले हिसाब को ऐसा टीचर को पढ़ाएं जो 10-10 साल से कागज कलम नहीं उठाया है। और उस बच्चा सब के साथ अगर परीक्षा नहीं होती है तो अमानवीय हरकत होगा। इसलिए केवल केवल अब राज्य सरकार के गेंद पाले में गेंद है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हुजूर राज्य हित में आप कदम उठाइए। अभी एक असमंजस की स्थिति बन गई है, तो सरकार को इस पर कुछ फैसला लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस है छात्रों में, इसको लेकर कोई बयान जरूर देना चाहिए। क्या लगता है सरकार को ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुरु हूँ, गुरु बच्चों कह रहा कि बेटा रे पढ़ते रहना परीक्षा होगी, बेटी रे पढ़ते रहना परीक्षा होगी। यह वही राज्य है यार, जिस राज्य में कहा गया है कि सारी प्रजा हमारी संतान है, मैं जहां कहीं भी रहूं, अंतापुर में रहूं क्यों ना रहूं, राज्य में घटने वाली घटनाओं सूचना हमको मिलनी चाहिए। तो आज बच्चे बिलख रहे हैं यार, बहुत सारे बच्चे बिलख रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में बच्चे बिलख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी को भी स्पोक्समैन को भी आके एक सांत्वना देना चाहिए, मैं इसके पक्ष में। सर और क्या लगता है सर कि परीक्षा पर सर क्या सर इसका सर, क्योंकि बहुत जगह खबरें आ रही हैं कि इससे तो डायरेक्ट अगर परीक्षा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किसकी औकाते नहीं करने की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर दे औकाते नहीं है, लेकिन राज्य को भी अधिकार 35% आरक्षण अन्य किसी राज्य में महिलाओं को है नहीं है ना, बिहार में है ना। तो यह चूंकि हमारे पास डीएलएड छात्रों की संख्या उतनी नहीं है जब से आप खोज रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति में बीएड छात्र को आप वंचित कर देंगे तो गलत होगी। ये राज्य चाहे तो अपना कर सकता है, राज्य करेगा। माननीय मुख्यमंत्री इतनी संवेदनशील लगते हैं हमको जी सर, तो छात्रों को क्या कहेंगे सर? छात्रों कहेंगे बेटा रे पढ़ते रहना रिमर से दूर रहना, पढ़ते रहना परीक्षा होता हूं, अब तू लोग परीक्षा देगा, और नहीं तो जब परीक्षा नहीं देगा, पढ़ाना भी नहीं है पढ़ना भी नहीं है, तो फिर तो साला फिरौन वाला युग आएगा, फिरौन वाला युग आएगा, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार बच्चों के पक्ष में काम करेगी। तो रहमान सर का साफ कहना है कि राज्य सरकार छात्रों के हित में काम करेगी और पढ़ाई नहीं छोड़ना है और 24 तारीख से परीक्षा होगी। सर का कहना है कि एक ही कारण है कि परीक्षा टल सकता है कि बिहार में अगर भीषण बाढ़ चला है, बस इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि 24 तारीख से होने वाली परीक्षा टले। तो जितने भी कैंडिडेट हैं विश्वास रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें, 24 अगस्त से आपकी परीक्षा होने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।